कांगड़ा फोर्ट धर्मशाला के पास जिला कांगड़ा अद्भुत चीज देखने को मिली। माँ अंबिका देवी का मंदिर एक ही परिसर में, ये देखिए माँ अंबिका देवी का मंदिर, जय माँ जय माँ। और जैन मंदिर श्री आदित्यनाथ भगवान जी का मंदिर एक ही परिसर में, जय माँ जय अभय जय जय ईश्वर जय भगवान। क्या अद्भुत नजारा उस जमाने का, देखिए ये अंबिका देवी माँ का मंदिर और ये देखिए बिल्कुल लगा हुआ जैन मंदिर। कांगड़ा फोर्ट, कांगड़ा किले के सबसे सबसे ऊपर वाले हिस्से में मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ। खूबसूरत नदी का बहाव, जैसे जैसे इन पहाड़ों से घिरे हुए इस खूबसूरत किले पे आप गुजरते हो, ये पुरानी इमारतें, ये पुराने दरवाजे देखते हो और पुराने इतिहास में जाते हो, न जाने क्यों महसूस होता है वो आवाज़ें रंजीत सिंह की, अकबर की, औरंगजेब की। एक डरावना तो नहीं पर एक बहुत ही खूबसूरत ख्याल कि क्या दिन थे, क्या लोग थे, क्या सेक्रीफाइस था। देखिए पुराने पुराने पत्थर, जैसे हर पत्थर चीख चीख के कोई कहानी बोलना चाहता है। आप सुकून से बैठे और अगर आंख बंद कर लें तो वाकई में वो पुराने इतिहास की ओर जैसे मानो दिल खुल जाता है, इतिहास के पुराने पन्ने। कांगड़ा फोर्ट से वापसी का टाइम आ गया, जब मैं ऊपर चढ़ रहा था इस बहुत ही खूबसूरत ऐतिहासिक किले में तो ये एक बोर्ड दिखा। उस वक्त एक महिला यहाँ पे आके रुकी और उन्होंने कहा यार नो एंट्री है, प्रवेश निषेध है, देखे तो क्या है, और आगे चली गई। अब मैं जब नीचे उतर रहा था फिर एक महिला और एक सज्जन दिखे, उन्होंने कहा नो एंट्री है, क्यों है नो एंट्री, चलिए। फिर वो अंदर चले गए, अभी वापस नहीं आए। ऐसा क्यों, अगर नो एंट्री लिखा है तो मत जाओ ना भैया। तत्वानी हॉट स्प्रिंग 1 आवर फ्रॉम धर्मशाला, शिवजी का मंदिर। मैं ये खड़ा हुआ हूँ, ये देखिए शेर के मुंह से गरम गरम पानी और ये स्नान चल रहा है। सल्फर का पानी, सल्फर का पानी जो आपके शरीर के लिए शुद्धता पैदा करता है और शिव जी का आशीर्वाद देता है। ओम नमो शिवा, ओम नमो। बहुत ही खूबसूरत एकांत, जय मां जय गल्लू मां। स्टार्टिंग पॉइंट से 12:44 पे, डंडा है हाथ में मेरे और मैं चला ट्रैक पे। अब देखें 12:44 पे चालू किया है और कब ये समाप्त होता है, व्हाट टाइम इट क्लोजेस। देखिए बिल्कुल जंगल खाड़े से ट्रैकिंग चल रही है और कम साइड दिया, फॉरेनर थी। आपको विजुअल्स दिखाता हूँ कितना खूबसूरत है यहाँ से। मैसिव ट्रैकिंग सीधी सी। हाय 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 हाय, फ्रॉम विच प्लेस? ओके ओके, थैंक यू। दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट पोर्शंस ऑफ द ट्रैकिंग, यू कैन सी द स्टोन्स। This is tough, very, very tough.
reach the destination, there you can see the Himalayas, there you can see the waterfall, see this valley. का प्राचीन मंदिर धर्मशाला से 1.5 घंटा दूर शिवजी का बहुत ही मशहूर मंदिर वर्ष 1204 में स्थापित हुआ, दो मर्चेंट्स ने स्थापित किया था। रावण जी ने पूजा करी थी, 9 बार अपना सर कटवाया, 9 बार शिवजी ने सर को वापस रखवाया, नाम पड़ा बैद्यनाथ, आज जाना जाता है बैजनाथ। ये वो स्थल जहाँ शिवजी ने रावण को दर्शन दिए और रावण को अमर होने का वरदान दिया था और शिवलिंग का एक हिस्सा दिया था, जो बोला था श्रीलंका में जाके स्थापित कर लो, उसका एक टुकड़ा पटना में है, तो ये भी एक ज्योतिर्लिंग का हिस्सा बैजनाथ। ओम नमो शिवा, नमो शिवा, ओम नमो शिवा, ओम नमो शिवा, जय भैरव। दी मसरूर रॉक कट टेम्पल्स, राम सीता लक्ष्मण, वाह ब्यूटीफुल। 18 टेम्पल्स हैं, मोनोलिथिक, एक रॉक, वन सिंगल रॉक। संजीव कुमार, टोंग डैम, धर्मशाला, ये देर से स्टार्ट होती है और ज्वारी तक इसकी रेंज, तो इसका टोटल रेंज कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना है? कोई मेरे आईडी को 20 किलोमीटर तक होगी, 20 किलोमीटर तक होगी। और ये पीछे जो पूरे पहाड़ हैं, ये पूरे हिमालय हैं? हाँ जी, हिमालय पूरे पूरे, इन्होंने रोक रखा पूरा पानी, ये पूरा पानी रोक रखा, हाँ, बांध इसके पीछे बना पड़ा। और अभी आपने मेरे को वादा किया है कि आप एक 80 किलो की जो समल पकड़ी उसकी फोटो भेजेंगे। हाँ जी, 80 किलो की समल, अगर मैं ये भोपाल में किसी को बोल दूं या ये बम्बई में बोल दूं तो यकीन ही नहीं करेगा। इसके पहले इन्होंने कहा 1 क्विंटल की सिंगाड़, नहीं नहीं वो ही कतला, कतला 22 केजी का, एक क्विंटल की कतला, इधर आ जाओ, 1 क्विंटल की कतला, 80 किलो की सिंगाड़, भैया हमने नहीं सुना ये कहीं पे, संजीव भाई। और ये पे और इसमें और कितनी मछलियां हैं इस पोंग डैम में? इसमें मछली तो बहुत है, इसमें एक अपना ग्लास कार्क है, अरे वाह, फिर अपना गोल्डन है, अरे वाह, माशेर है, अरे वाह, मली है, अरे वाह, फिर अपना कतला है। तो आप कितने सालों से काम कर रहे हैं यहाँ पे? मेरे को हो गए 6 साल। अरे वाह वाह। अब वो बंदर जो इतने खूबसूरत बने, जो 6 महीने पानी में रहते हैं और 6 महीने ऊपर आते हैं, उनके बारे में क्या? महाभारत टाइम के? ये महाभारत के टाइम का। तो 6 महीने पानी में डूबे रहते हैं? हाँ जी, ये डैम के लिए ना, जैसे डैम का पानी पानी का लेवल बढ़ता जाएगा, डूबता जाएगा, पानी उतरता जाएगा, ये भी अभी 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 जाके वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। हाँ जी। तो अभी आधा डूबा है तो अंदर कैसे जाएंगे?
वहाँ से बोट मिलती है प्राइवेट। ओके, और ये महाभारत के टाइम का? महाभारत के टाइम का। आज से 7 साल पहले हमारे गांव के लड़के ने 46 kg का कतला मारा था। अरे बाप, आज से 6-7 साल पहले। अरे बाप, इसमें पानी तो इसको जाल लगता है, 10 साल से बड़ा जाल नहीं लगता तो उसको तोड़ देते हैं वो। उसका फिर कैसे पकड़ते हो उसको? बड़ा बड़ा जो है 22 kg का या 80 kg का जो भी है, मतलब जाल के अंदर 12 इंच खाना है, उसमें 14 इंच खाना है। अगर लिपट गया तो वो फंस जाएगा। हाँ। अगर नहीं लिपटा तोड़ दे तो नहीं टूट पाएगा। अरे बाप, मतलब काफी बड़ी मछली है। बड़ी 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 मछली है। चलिए चलिए, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलकर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। So we are coming to the end. Hope you liked this episode of Cook Speaks. It is a sincere effort to get you more such hidden treasures from the rich heritage culture of India. We want to go wider, present you more such beautiful places. Come subscribe to our channel. Press the bell icon.